निहाती भाव में विद्युत प्रभाव प्रतिदिन जमी आम सहित सत्य सकाल आज अतिथि रही सेगमेंट रे जन जन स्पेशल अतिथि था आज सामान भाव में आम सहित जे स्पेशल अतिथि अच्छा तेज डेरी करवानी अतिथि आम सहित आसी स्टूडियो पहुंची सारी आम सहित आज अतिथि जी अच्छा स्वागतिका पाणी श्रीजगन्नाथ संस्कृति गवेषिका भाव से बेस परिचित बहु प्रतिभा से अधिकारिणी अर्थात स्वागतिका मैडम तांकर अनन्य प्रतिभा रही एकाधर जने गवेषिका जने भल वक्ता लेखिका संपादिका तथा तो उत्तम गृहिणी भाव से परिचित मल्टी टैलेंटेड नो डाउट मैडम आम सहित स्टूडियो आम सहित सामिल हो सारी मैडम स्वागत कर सत्य सका जय जय नमस्कार मैडम बहुत सुंदर देखा एक्चुअली शाढ़ी धन्यवाद ओके जमती मुझ इंट्रो में कहती पूरा अन्न्य प्रतिभा आपण जड़े गवेषिका जड़े भल वक्ता जड़े भल लेखिका जड़े भल संपादिका जड़े भल गृहिणी एत सब टैलेंट जड़े गृहिणी पाखे मानने केमती मैनेज करती प्रकृति देखते मनीष पाखे कि असंभव नुहे जड़े जदि मु भावे अंत मो मतरे जड़े जदि भल गृहिणी हो पारा उत्तम गृहिणी हो पारा निज घर टी संभा पारा ताहले ता पक्षरे सारा समाज को विश्व को भी संभाली पार कारण सब सेल्फ रु ही स्टार्ट निज पाखर जदि मनीष सबकि स्टार्ट करे ताहले ताहा गोटे गोटे जमी क्षुद्र जलकणारु वर्षाधारा परिणत हुए से भाई भाव में जदि प्रथम गोटे नारी निज घर निज पर सजाई पारा समाज को निश्चित भाव सुंदर रूप सजाई पार सहित देश दुनिया सजाई हो पार निहांती भाव में जहाँ आम देखुल आपणकर डिटेल्स रे जगन्नाथ संस्कृति गवेषिका आपण तेणु जगन्नाथ संस्कृति बड़ अनन्य एवं आम परंपरा सबुठ भिन्न जदि आम जी पूरा विश्व दरबार में आम परिचित भारत हिसाब से जी गर्व अनुभव करती पूरी कथा आसिले जगन्नाथ कथा आसिले आम मनरे टे अलग भावना पलै आसे आपण निज के गर्व अनुभव करती प्रथम कथा हूँ जी हूँ समग्र ओडावासी आराध्य देवता मम आराध्यम श्रेष्ठम बोली शास्त्र में कहगला आपणकर आम हिंदू सनातन धर्म में जिते सब देवदेवी अच्छा प्रत्येक जड़े जड़े आराध्य रहा आवश्यक कारण शास्त्र में कहगला जी निज आराध्य देवता छाड़ी अंकू को जाए सी हिंदू सनातन धर्मर शास्त्र अनुसार ठीक भाव में पुण्यफल पाएना तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथ जहाँ को कह जाए देवदेव जगन्नाथ प्रणतार्ती विनाशन त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष पतितम भवसागरे तेणु सी जितेबले समग्र विश्वर गणदेवता तेणु सी निश्चित भाव में समस्त आराध्य तेणु मो मनरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ से गोटे भावधारा बही चली प्रभु करुणा थे सारा जीवन बही चलो ये आंतरिक इच्छा आपणकर कथबार्तारु ही जमापड़ी आपण जगन्नाथ संस्कृति सहित तो केते जड़ित तो आपण भाषागत ज्ञान केते अधिक मात्रा रही आम जी जानते आप टी जितेबले रथयात्रा समय धारा बरणी आसती तो टी शुणु आपण आरंभ केमती कराए जब आप धारा बरणी आज प्रथम तो जेको धारा बरणी होपर श्रीजगन्नाथ संस्कृति जेको वक्तव्य हो प्रथम महाप्रभु शरणागत हो आम आरंभ कर प्रथम श्लोकटी महाप्रभु उद्देश्य कहूँ नीलाद्रौ शंख मध्ये सतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुक्तम चाग्रजेनम भद्रायं वाम भागे रथ चरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंद्यम वेदनम सारमीशम सुजन परिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि महाप्रभु उद्देश्य रे प्रथमे समर्पित हो जदि आम जेकोसी कार्य आरंभ करवा कारण आम ओडावासी देखु समस्त शुभाशुभ समस्त मांगलिक कर्म सी ही आद्य देवता आराध्य देवता भाव आराधित होती तेणु जेकोसी धारा बरणी होता होता होकोसी कार्य हो मो मतरे आम प्रातः काल जो उठवा शज्ञा त्याग करने आरंभ कर रात्र पर्यंत जदि आम से आराध्य देवता प्रति समर्पित हवा निश्चित भाव में करुणा प्राप्त कर निश्चित भाव में जगन्नाथ कृपार आमर जहाँ स्थित दुई वर्ष पूर्वे ता दूरीभूत होना महामारी कथा आम कह तेरे मैडम स्पिरिचुआल यूट्यूब चैनल द्वारा आप निजर लेखा और वक्तव्य द्वारा सनातन धर्म प्रचार प्रसार कर यूट्यूब चैनल विषय में कथा कौन क्यों ना रही चैनल टी कौन सब ए बार्ता पहुँचा आज्ञा प्रकृत स्पिरिचुआल ओडिया यूट्यूब चैनल मो निज ना रही स्वागतिका पाणी पर्सनल यूट्यूब चैनल
विभिन्न समय टीवी रे विभिन्न प्रोग्राम माध्यम रे मु महाप्रभुंकर श्रीजगन्नाथ संस्कृति विषय रे विभिन्न सनातन धर्म संपर्क रे प्रचार प्रसार जेतिकी क्षुद्र प्रयासिते होई प्रयास करिछे सारा जीवन मध्य मृत्यु पर्यंत से गोटे मोर आंतरिक इच्छा जे महाप्रभुंकर भाव रे मु जोड़ी होई रहिबी एवं सेही उद्देश्य रे जेहेतु मु निजे अनुभव कली जे आमर हिंदू सनातन धर्म रे जे सब देवदेवी अछंती ता सहित आमर परंपरा और संस्कृति जहाँ सब रहिला सनातन धर्मर शास्त्रीय धारा ता धीरे धीरे समाज रु देखंतु धीरे धीरे लुप्त होबा को बसिछि कारण विभिन्न प्रकार आधुनिकीकरण जगतीकरण दुनिया रे जे सब नूतन भाव पसि जाउछि आधुनिकीकरण किछि खराब नहि किंतु ता सहित जदि मिश्रित होइगला प्रकृत मूल भावना ठारु आमे दूरे जाउछि सेही गोटी उद्देश्य रे मु से स्पिरिचुअल ओडिया यूट्यूब चैनल टी करिछि प्रत्येक आम ओडिसार संस्कृति आम हिंदू सनातन धर्मर जते सब पर्व पर्वाणी तत्व श्रीजगन्नाथ तत्व एवं सनातन धर्मर मूल तत्व वेद वेदांत ठार आरंभ कर उपनिषद पर्यंत ताकु नहीं गोटे गोटे भिडियो करपर्यंत हुए तो बोधे 450 उपरे मोर चलला मोर मिस्टर प्रत्यक्ष भाव सहयोग रही निश्चित भाव में मैम जो आप कहते कि श्री जगन्नाथ संस्कृति पर आपण गवेषणा करती तेज निहाती भाव में आम से श्रीक्षेत्र आ जगन्नाथ विषय किसी जानवाक चाहबू मैम जगन्नाथ मंदिर सम्मुखें जो अरुण स्तंभ रही है तेज से अरुण स्तंभ केवे प्रतिष्ठा होता क्यों आसाला से अरुण स्तंभ किए प्रतिष्ठा करते देखो अरुण स्तंभ हूँ शक्ति उपासनार ज्योतिर प्रतीक आम जी मूल सृष्टि तत्व को जी तेज प्रथम ही जो ज्योतिर्मय पिंड आविर्भाव होता से स्तंभ रूप से बाहर थे ब्रह्मा विष्णु शंकर स्थूल रूप से बाहर सूक्ष्म स्वरूप तेणु गोटे कथा कहगला स्तंभ जे परमात्मा ओंकार स्वरूप स्थूल रूपे सूक्ष्म रूपे धरी नाना रूप से ही मूल तत्व अरुण स्तंभ गरुड़ स्तंभ और आमर जो स्फुर सहस्रार शिखादि तीव्रम सुदर्शनम कोटि भास्कर तुल्यम ये सबू स्तंभ उपासनार पर्व से आरंभ है सूक्ष्म तत्व स्थूल तत्व अरुण जी अच्छा आम जी पौराणिक कथा को जी सी गरुड़ भाई आमर विनीता और कश्यप पुत्र ज्येष्ठ पुत्र सी हूँ सूर्यदेव सारथी अष्टादश शताब्दी शेष भाग में मरहटा राजत्व समय से आसी कोणार्क मंदिर सूर्य उपासनार प्रतीक शक्तिर प्रतीक ज्योतिस्तंभ अरुण स्तंभ हो ज्योतिस्तंभ आमर पुरी श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुखें विशाल काय स्तंभ अच्छा पाखापाखि आप 34 फुट उच्चतार चतुष्कोण गोटे अच्छा जोड़हस्त मुद्रे अरुण अच्छा 2 फुट व्यासर से अरुण स्तंभटी से आसी कोणार्क मंदिर कई कई कहती भुवंशर राजा दिव्य सिंह देवता आनी कई कई कहती गुरु बाल ब्रह्मचारी परामर्श क्रमे से आसी तेणु मूल रूप देखिए भारत वर्षर जितक विष्णु मंदिर जगन्नाथ मंदिर केउठारी भी नहांती अरुण स्तंभ केवल गोटे व्यतिक्रम आम पुरी श्रीमंदिर सम्मुख भाग में अरुण विद्यमान अच्छा जोड़हस्त मुद्रे एवं भितर आप गरुड़ स्तंभ दुई भाई निहांति भाव में बहुत सुंदर भाव में मैडम पूरा बुझाऊ विद्युत प्रभा जे अरुण स्तंभ मूल्यबोध कौन एवं केबे ठारु स्थापन हुई आसी पूरा विस्तृत भाव में बुझाऊ जगन्नाथ संस्कृति को नहीं तर अनेक गवेषणा एवं से गवेषिका जड़े एवं 9 खंड पुस्तक से रचना कर मैडम से आपको शुभेच्छा और निहांति भाव में जेहेतु आप 9 खंड पुस्तक उन्मोचन करमें जगद्गुरु शंकराचार्य पाखापाखि 3 खंड पुस्तक द्वारा लोकार्पण हो अन्य प्रतिभा अधिकारिणी से जड़े गवेषिका जड़े संपादिका एवं जो देखा जड़े लेखिका पाखापाखी 9 पुस्तक उन्मोचन सरलाधर जी आप देखिए से पाखापाखी 3 पुस्तक जगद्गुरु शंकराचार्य हाथ में लोकार्पित मैडम आसबि से प्रसंग में आम आलोचना करवा जे पाखापाखी आप 9 पुस्तक रचना करते 3 पुस्तक जगद्गुरु शंकराचार्य हाथ में लोकार्पित होते जितेबले जगद्गुरु शंकराचार्य को लोकार्पण करते कि निजी को खुशी आसूला और ये पुस्तक मध्य कौन समाज को वार्ता रही जगन्नाथ संस्कृति प्रचार प्रसार पर पुस्तक मध्य कौन आप उल्लेख कर प्रथम जितेबले पुस्तक रचना मुझे आरंभ कली मोर प्रथम पुस्तक हूँ महाआराध्य श्री जगन्नाथ पाखापाखि आप 300 पेजेस 32 चैप्टर रही से प्रथम पुस्तक टी मोर इच्छा है प्रथम जोटा मूल पीठ श्रीजगन्नाथ मंदिर श्रीमंदिर मुक्ति मंडप और शंकराचार्य द्वारा उच्च प्रशंसित होता है और आपस्त गणमाम उपस्थित थे पाखापाखि 50 खंड गणमाम सी गोटे गर्वर मुहूर्त कारण देखिए आपड़ जमी गछटे लगे लगे मुहूर्त
ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାକୁ ତାପରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିଭିନ୍ନ ଆସିଲା ପରେ ତାହା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା ହଉ କହିବା ହଉ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ବହି ହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 9-10 ଖଣ୍ଡ ବହି ହେଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କୁହାଯାଏ କି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ବିମଳା, ତେବେ ୟା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ୟା ପଛର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ବାମଦେବ ସଂହିତା, ଯାତ୍ରା ଭାଗବତ, ଯେତେ ସବୁ ପୁରାଣଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବରାହ ଅବତାରରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଧରଣୀକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ବୈକୁଣ୍ଠ ରୂପମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବତ୍ର ଶମ୍ଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯମେଶ୍ୱର, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏସବୁ ରହିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଶାକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ମା ବିମଳା କୁହାଗଲା ସତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଭିସ୍ଥଳ, ନାଭିସ୍ଥଳ ଆମର ହେଲା ଯାଜପୁର ବିରଜା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପାଦ ପୀଠେଶ୍ୱର, ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ହେଲେ ପାଦ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ। ଶଙ୍ଖଶ୍ୟାବରଣୀ ଦେବୀ ପତିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତା, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱପି ବିମଳା ନାମ ନାମତ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭକ୍ଷିତା ତତ୍ର କେବଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ, ତାକୁ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା ପରେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ନିତ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ଭୋଜନୀ ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ମା ବିମଳା ହେଲେ ପାଦ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ, ମୂଳ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯଦି ଗୃହିଣୀ ନଥାଏ, ଯେପରି ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଠାରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ମାନୁଷୀ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନିକୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସେ ମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାରେ 56 ପୌଟି ଭୋଗକୁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଦେବୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସପ୍ତାବରଣ ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମାନୁଷୀ ଲୀଳା ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ବା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାଆଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଯିଏ ମା ବିମଳା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏକୈବ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ଭିନ୍ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାପି ନିଯୋଗ କାଳେ ଭୋଗେ ଭବାନୀ ପୁରୁଷେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ କୋପେଷୁ କାଳୀ ସମରେଚ ଦୁର୍ଗା। ଏକ ଶକ୍ତି ମାତ୍ର ଏକସ୍ୟ ଅନେକା ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, ସେହି ରୂପରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କମ୍ ଜାଣିଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା ତାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ସମ୍ପାଦିକା, ଭଲ ଲେଖନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ, ଭଲ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ, ଭଲ ଗବେଷିକା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ କେତେ ସାମିଲ କରନ୍ତି? ଭଲ ଗୃହିଣୀ ଯେହେତୁ, ତ କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଘର କାମରେ, କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାରେ, କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଏଥିରେ? ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୋର ବାପ ଘର କ'ଣ, ଶାଶୁଘର କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋ ମିଷ୍ଟର ଯିଏ ସେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବିନା କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର, ଯେପରି ନାରୀ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱରୀ, ସେପରି ପୁରୁଷ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର। କୁହାଯାଏ ପ୍ରତି ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ସଫଳ ନାରୀ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷଟିର ହାତ ରହିବ। ସେ ପୁରୁଷଟି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଜୀବନର ନାଁଟା ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତ ମୋର ବାହାଘର ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୟଯାତ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, କେବଳ ଖୁସି ନୁହେଁ ସେଇଟା କହିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ମୋର ଗର୍ବ। କାରଣ ପୁରୁଷଟିଏ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ନାରୀଟିଏ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ମନ ଲଗାଇ କରେ। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼େ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼େ, ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପଢ଼େ। ଆଉ ତା ସହିତ ଘର କାମ, ଲେଖା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମଟି କରେ ମନଯୋଗ ଦେଇକି କରେ, ତାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଜୀବନର ନା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଘରେ କିଏ କିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି?
ଏଠି ତ ଆମର ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ମୋର ରହୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଘରେ, ଶାଶୁ ଘରେ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ओके, जमी कहते जे हजबैंड सपोर्ट अच्छी, तो आगो को मैडम कौन लक्ष्य रही जेहेतु हजबैंड सपोर्ट अच्छी गोटे बुस्ट भाई सहयोग करुवा जेहेत आप आग को बढ़ुं पखापाखी नौटी पुस्तक आप रचना कले प्रथम तीनो जगद्गुरु शंकराचार्य उन्मोचन कर आग को आउ कि पुस्तक लेखा अच्छी पब्लीश हाँ को अच्छी लेखा बर्तमान जारी रही है। आप गोटे लक्ष्य रखी महाप्रभु कृपा जिते सब महाप्रभु संस्कृति को नहीं जिते सब तथ्य ताको सठिक भाव में जनमानस भाव में परेशित हे आपतु श्रीजगन्नाथ संस्कृति कहीं आगे पारनी श्रीजगन्नाथ महाप्रभु प्रति समस्त भक्ति भाव रही कि संस्कृति धारा आगे पारनी ये आम सब खेचेड़ी करदे से विभिन्न प्रकार कथा को मिसई दूचे तेणु महाप्रभु जदि कृपा रही करुणार पखापाखि शहेटी पुस्तक मो जीवन काल में अंत रचना कर ओडिशार लोक मान भेटिदेवी बोली मोर गोटे आशा ता सहित जमी गोटे भाव कंठरे बसिकी से कहीदे लेखनी मोर बसिकी से लिखिद तेनाली जी कृपा रेष निश्वास पर्यंत से जय जगन्नाथ नाम धरी बास मो जीवन नाटे व्यक्तिगत भाव को ठाकुर को बेसी विश्वास करते मम आराध्यम महाप्रभु श्री जगन्नाथम श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम मुझे जानी थी जे आपन को उत्तर सामान हम जेहेतु आप प्रथम रु ही जय जगन्नाथ आरंभ कले तो मैडम विशेषकर कहते मानने आपणकर उद्देश्य जहाँ आप कहते लक्ष्य जहाँ रही तो कौन लगुच जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार पर कौन हबार आवश्यकता रही प्रति ओडिया प्रति हिंदू धर्म सहित जड़ित व्यक्ति विशेष बुझेबार के आवश्यकता रही आम सनातन धर्म को जगन्नाथ संस्कृति को कौन करा जो प्रचार प्रसार पर कौन कर आवश्यकता रही है भावुं प्रचार प्रसार पर मो मतरे लेखा को आहरी त्वरान्वित कराऊ विश्वस्तरीय भाव में सार्वजनीन कराऊ केवल ओडिया रे नुहे संस्कृत रु आरंभ कर हिंदी इंग्लीश विभिन्न भाषाभाषी अनुवादित सहित प्रत्येक गाँ गहली आप देखिए जो जगन्नाथ पंचरात्र चलुची विभिन्न प्रकार मीटिंग द्वारा कथा द्वारा लोक को आकर्षित कराऊ लोक आकर्षण भाव कमी जाऊँगी आप देखिए केवल रथजात्रा समय ही श्रीक्षेत्र लोक जाऊँगी अन्न समय विभिन्न धर्म विभिन्न अन्य गुरु बाबा प्रति आकर्षित होती जोटा कि आमर जो मूल पीठ आमे सब बेले वृक्षर मूल को जदि धरिबा वृक्ष स्थिर भाव में माटी उपर रही पार तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी 4.5 कोटी ओडियां आराध्य समग्र विश्वर गणदेवता से गोटे पद भी आप रचना करी जदि कह शुणी गोटे पद तुम पी महाप्रभु पाखे थाउ थाउ कहीं जीवी केसी वृंदावन आउ इतिकी करुणा कर महाबाहु तुम नाम गाई तुमको ये ध्याई ए जीवन रथम गड़ी गड़ी चली जाऊ आम पाखरे से अच्छा आम केवल आम चर्म चक्षु को खोलिबा इंद्रिय को खोलिबा हृदय मध्य अनुभव करिबा आपे आपे से संस्कृति प्रचारित तो प्रसारित हम मन मध्य गोटे भावना प्रथम आवश्यक मैडम जमी आप कहते हैं खोर्धा बाणपुर आपण झील आप भद्रक आपण शाशुं घर या बोधे आप कहते रोचे भुवनेश्वर भद्रक तिहिड़ी अच्छा तिहिड़ी ओके तो रोचे तो विशेषकर पूरी केते थर जाती आप जेहतु भुवनेश्वर रोचे मानते बेस दूर भी नुहे केते थर जेहतु जगन्नाथ संस्कृति पर आप गवेषणा करगाध्य ज्ञान आपणकर एक क्षेत्र में तो केते थर दर्शन कले बर्तमान पर्यटन महाप्रभु को बर्तमान पाखापाखी आम मिस्टर को मोर प्रत्येक मस दि मस पल करोना डोरी लगी जाए आप चली जाए अभढ़ा दिमुटा खाई पूरी समुद्र कूल बुली आसले आ भाव को आ गोटे कथा से जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर भितर पशिक दर्शन करदे स्वत आखिर लुह झर जाए कहीं जानी से गोटे भाव हुए तो देखने मात्र मुझे गोटे भावना द्वितीय कथा पूरी एक्चुअली साक्षी गोपाल मध्य मोर बापा घर आम सब बापा माँ सर्विस कले आसिक रही बाणपुर कटक मोर जन्म पूरी साक्षी गोपाल मो निज जोड़ा कह पैतृक गाँ से तेणु पूरी तो पाख जाए किंतु जगन्नाथ संस्कृति धारे पशिगला स्वतप्रभुत तो महाप्रभु अनेक थर अनुभूति अच्छे से डाकि नहीं क्यों भाव प्रतिदिन स्मरण करेणु महाप्रभु डाकि जगा डोरी न लगे पूरी जावा संभव नुहे एक समस्त जानते मैडम पूरी दर्शन करे बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप आसे आम सतेज सकाल आज अतिथि सेगमेंट सामिल हेले बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ।
तेब निहांती भाव में दर्शकबंधु आज अतिथि सेगमेंट में आम सहित स्वागतिका पाणी मैडम जोड़ी जड़े जगन्नाथ संस्कृति गवेषिका जड़े संपादिका जड़े लेखिका एवं जड़े भल गृहिणी ये सब टैलेंट भितर भरी रही है। अति मिष्ठवासी कथार मिठास भरी रही आपड़ सुंदर भाव में जगन्नाथ संस्कृति नहीं से व्याख्या करुले आपन को बुझाऊ मत आशा कर सेगमेंट आपको निश्चय भाव में पसंद आसी तेज समय सरी सतेज सकाल यही रखुच्छू मुझे सहयोगी विद्युत प्रभा को वर्तमान विदाय दिंतु नमस्कार।